hello class this is ms babita welcome back to our online ebs class on this class we will focus on the rest part of the chapter some organ system so on previous class we have discussed about circulatory system respiratory system and digestive system and today we will discuss about the excretory system and then the word excretory is, comes from the word excretion then what is excretion the throwing out of waste from the body is called excretion The throwing out of waste from the body is called excretion. E x c r e t i o n, excretion. So what is excretion? Throwing out of waste. Body से हम लोग जो हमारे body से body में बहुत सारा वेस्टेज होता है उसको जो हम लोग बाहर निकालते हैं जो process में उसको क्या बोला जाता है Excretion. बॉडी से वेस्टेज निकालने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है एक्सक्रेशन सो बॉडी में वेस्टेज आता कहाँ से है ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं जैसे कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या निकलता है बॉडी में क्या होता है ब्लड प्योर होता है प्योर होने के बाद अनप्योरिटी जो बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बॉडी के लिए वेस्टेज है जो हम लोग फूड खाते हैं डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको भी निकालना पड़ता है वो भी क्या है वेस्टेज है और जो हम लोग वाटर भी पीते हैं बहुत ज़्यादा वाटर बॉडी में हो जाने से वेस्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर होता है उसको भी निकालना पड़ता है सो so, हमारे बॉडी से बहुत सारे वेज वेस्ट से वेस्टेज निकलता है बॉडी से पसीना भी निकलता है वो भी एक वेस्ट है सो so, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसेस से कैसे कैसे वेस्टेज निकलता है वी थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन मैनी वेज बहुत सारा वे में हम लोग अपने बॉडी से एक्सट्रेशन करते हैं वेस्टेज निकालते हैं जैसे कि फर्स्ट क्या है विथ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर थ्रो नोज हम लोग क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर को नोज के ओर से निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर पेपर कैसे आता है जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रेथ इन करने के टाइम वहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाके क्या हो जाता है जब फूड के साथ कंबाइन हो जाता है क्या प्रोड्यूस होता है वाटर पेपर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी एनर्जी बॉडी को चाहिए तो बॉडी में रह जाता है एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पेपर बॉडी को नहीं चाहिए इसलिए क्या हो जाता है नोज के थ्रू फिर से ब्रेथ आउट करने के टाइम निकल जाता है फिर सेकेंड पॉइंट में और क्या निकालते हैं विथ्रो सॉल्ट एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट सॉल्ट एंड वाटर बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर जो होता है उसको भी निकालना पड़ता है कैसे निकलता है वो स्वेट के हिसाब से हम लोग जब जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं या फिर दौड़ते हैं क्या निकलता है हमारे बॉडी से स्वेट पसीना निकलता है वो भी क्या होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट होता है दैन थ्री पॉइंट विथ थ्रो आउट वेस्ट फ्राम फॉम ड्यूरिंग डायजेशन इन द फॉर्म ऑफ फिशेज और जो फेसिस जब हम लोग फूड खाते हैं डाइजेशन हो जाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं फेसेस स्टूल के हिसाब से बाहर निकालते हैं जैसे कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े थे ठीक है वो, वो क्या होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फोर नंबर वी ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और भी वेस्टेज को हम लोग कैसे निकालते हैं यूरिन के थ्रू निकालते हैं यूरिन मतलब जब जब हम हम लोग एक्सेस वाटर हो जाता है बॉडी में तो क्या होता है वो यूरिन के हिसाब से निकल जाता है येट वेन वी स्पीक आवर स्पीक ऑफ एक्सक्रीशन वो वी ओपन मीन द थ्रोइंग आउट ऑफ यूरिन द ऑर्गन दट थ्रो आउट यूरिन मेक द यूरनरी सिस्टम सो so, देखो हम लोगों ने तो पहले से पढ़ चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है फिर स्वेट्स स्किन से निकलता है और फेसेस भी निकलता है लेकिन यूरिन कैसे निकलता है यूरिन निकालने के लिए भी एक प्रोसेस होता एक सिस्टम होता है कौन सा सिस्टम से यूरिन निकलता है यूरिनरी सिस्टम से तो यूरिनरी सिस्टम कौन परफॉर्म करते हैं दिज आर किडनीज यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा दो किडनी किडनीज लिखा गया है देखो एस लग गया लग गया है मतलब एक से ज़्यादा होगा तो दो किडनी है ह्यूमन बॉडी में ओ, किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा ये चारों मिलके क्या करते हैं यूरिनरी सिस्टम परफॉर्म करते हैं यूरिनरी सिस्टम से क्या होता है यूरिन निकलता है बॉडी से बॉडी का जो वेस्टेज निकलता है द यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द एक्सक्रिटोरी सिस्टम यूरिनरी सिस्टम्स को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्सक्रिटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं सो दीज आर टू किडनीज दिस इज यूरेथ्रा किडनी दो किडनी में दो यूरेथ्रा ज्वाइंट होके किसके किसके साथ जॉइंट हुआ है यूरिनरी ब्लैडर के साथ ज्वाइंट हुआ है और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे में जो होता है उसको यूरेथ्रा को कहा जाता है तो कैसे होता है देखते हैं यूरिनरी सिस्टम कैसे होता है किडनी में देखते हैं वो यहाँ टू बीन सेप्ड किडनी जो हमारा जो किडनी होता है वो क्या कौन सा सेप का होता है बीन्स बीन देखिए हो बन के सीड जो होता है वैसे ही दो किडनी हमारे है बीन का सेब रहा का द लाई इन द लोअर बैक वो कहाँ पर है किडनी हमारे बॉडी के बॉडी में लोअर बैक में पीछे के साइड में है ठीक है लोअर और पीछे के साइड पीठ के साइड है ब्लड कैरीज इज वेस्टेड फ्रॉम द बॉडी एंटर द किडनीज जो ब्लड क्या होता है ब्लड में जो वेस्टेज होता है वो क्या करता है जब किडनी में एंटर करता है ब्लड में वेस्टेज भी होता है जैसे कि बहुत सारा वेस्टेज उनके होता है वो जब ब्लड किडनी में एंटर करता है तो क्या होता है द किडनी स्ट्रेन आउट द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड किडनी क्या करता है किडनी में स्ट्रेन जैसे कि हम लोग टी जब बनाते हैं टी बनाने के बाद क्या करते हैं उसको छन्नी में डाल के छान लेते हैं वैसे ही हमारा किडनी क्या करता है ब्लड को छानता है किड किडनी में क्या क्या होता है ब्लड स्ट्रेन होता है छानता है द ब्लड दैट लीफ द किडनी इज क्लीनर छानने के बाद ब्लड क्या हो जाता है यहाँ पर रह जाता है क्या स्ट्रेन में जो हम लोग चाय को छनते हैं छन्नी में क्या रह जाता है जो टी लीफ रह जाता है नीचे में क्या होता है टी टी होता है सो so, वैसे ही जब ब्लड एंटर करता है किडनी में किडनी क्या करता है स्ट्रेन करता है ब्लड को छान लेता है छानने के बाद किडनी में रह जाता है जो वेस्टेज रह जाता है ब्लड का और प्योर वाला ब्लड कहाँ जा चला जाता है बॉडी बॉडी में फिर से चला जाता है द वेस्ट दैट कलेक्ट इन द किडनी इज़ यूरिन सो किडनी में जो वेस्ट कलेक्ट हो कलेक्ट होकर रह गया है वो क्या होता है उसको यूरिन बोला जाता है और यूरिन जब रह जाता है फिर ब्लड कहाँ चला जाता है फिर से फ्लो बैक हो जाता है सो so, यूरिन अब क्या कहाँ पर है किडनी में है किडनी में हमारा क्या हो गया यूरिन रह गया फिर उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना सो so, क्या होता है द यूरिनरी ब्लाडर यू फिर जो किडनी होता है किडनी क्या करता है उसको रख के नहीं रहता है यहाँ पर जो यूरिन है उसको क्या करता है उसको निकाल के देगा वो यूरिनरी ब्लाडर तो पहुँचाना पड़ेगा किडनी को सो so, यूरिनरी ब्लाडर को कैसे आएगा किडनी सॉरी यूरिन यूरिन लिप्स द किडनी थ्रो ट्यूब्स कॉल यूरेटर तो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में दो क्या होता है यूरेटर जॉइन होके होता है किडनी में जब यूरिन फूल हो जाता है तो वो क्या करता है यूरिनरी ब्लैडर को भेज देता है किसके थ्रू यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर को क्या आ गया यूरिन आ गया when the bladder becomes full urine passes out of the body through an opening called urethra so dekho yahan par kidney mein hamara kya ho gaya wo, urine collect ho gaya blood se aake urine collect ho gaya jab urine collect ho gaya wo urine jab full ho jata hai wo kya karta hai यूरे यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर को चला जाता है जब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है हमारा यूरिन फुल हो जाता है तो वो क्या होता है यूरेथ्रा दे के बॉडी से बाहर निकल जाता है ठीक है सो हियर विथ दिस चैप्टर इज कवर्ड सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लेवल डायग्राम्स डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम योर प्रोजेक्ट वर्क फॉर दिस चैप्टर इज यू हैव टू डू ए Stethoscope by your own homemade stethoscope. So, today's class is over. Thank you.